नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी डी के में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि आने वाली मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और सुपर टेट दोनों के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जिसमें ज़्यादातर आपको यहाँ पर रचना देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर हमारा MPTET और सुपर टेट दोनों में ही पूछी जाती है। तो यहाँ पर 50 प्रश्न मिलेंगे और यदि आपको इसकी PDF यदि आप एक बार और इन प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर जितने भी अभी तक हमने वीडियो बनाए हैं और भी अलग से टॉपिक वहां पर जोड़े गए हैं, लगभग वहां पर 15 से 16 हज़ार क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेंगे, उसका वहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहां ऐप आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। यहाँ पर आपको बताना है जो कवि वचन सुधा है इसके संपादक कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त या फिर गुलाब राय। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो कवि वचन सुधा है इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद थे, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आप यहाँ पर आपका आकलन करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी इसका आंसर लिख सकते हैं और लास्ट में जरूर बताएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है, 1893, 1897, 1902 या फिर 1917। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों MPTET और सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है वो 1893, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है जहाँ उपमेय की उपमान से संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक, उपमा, अन्वयन या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जहाँ उपमेय की उपमान से संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा था, दिल्ली, मॉरिशस, नागपुर या फिर लंदन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन स्थल था वो नागपुर था, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है, यहाँ पर आपको बताना है गेहूं और गुलाब जो कि एक निबंध है इसके लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, यशपाल है, अज्ञेय है या फिर अस्के है। तो यहाँ पर गेहूं और गुलाब जो कि एक निबंध है इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है दुलाई वाली कहानी के रचयिता है, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है दुलाई वाली जो कि एक कहानी है इसके रचयिता कौन है, भारतेंदु है, किशोरीलाल गोस्वामी है, राजेंद्र बाला घोष या फिर राधिका रमन प्रसाद सिंह है। तो यहाँ पर जो दुलाई वाली जो कि एक कहानी है इसके रचयिता राजेंद्र बाला घोष, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है राजा नीरबसिया किसकी रचना है, कमलेश्वर की है, कमल जोशी की है, राजेंद्र यादव की है या फिर निर्मल वर्मा की है। तो यहाँ पर राजा नीरबसिया कमलेश्वर की रचना है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादप और सारहीन है, यहाँ पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है, चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, अजात शत्रु से या फिर ध्रुव स्वामिनी से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। अधिकार सुख कितना मादप और सारहीन है यहाँ पंक्ति प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, देव है, मतीराम है, केशव है या फिर चिंतामणि है। तो यहाँ पर जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार केशव है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आला खंड का लेखक कौन है, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है आला खंड का लेखक कौन है, चंद्रबरदाई है, नरपति नाला है, जगनीक है या फिर दलपत विजय है। तो यहाँ पर आला खंड के लेखक जगनीक है, कौन है, जगनीक है आला खंड के लेखक, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है
पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, मागधी से, अर्धमागधी से, सोरसेनी से या फिर पेशाची से? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार, यहाँ पर आपको अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार बताना है कौन है, दामोदर है, भोज है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर है या फिर हेमचंद है? तो यहाँ पर अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार हेमचंद है। कौन है? हेमचंद अपभ्रंश व्याकरण के रचनाकार, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे, यहाँ पर प्रथम पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली के रचनाकार थे, यहाँ पर कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन थे, सूरदास, परमानंद दास, तुलसीदास या फिर केशवदास? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तुलसीदास, तुलसीदास कृष्ण गीतावली के रचनाकार थे, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला, यहाँ पर आपको बताना है साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है उसके बाद आपको आंसर देना है। हिम तरंगनी, अंधायुग, नीला चांद या फिर लोग भूल गए हैं? तो यहाँ पर अंधायुग, अंधायुग को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार नहीं मिला है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यहाँ पर हिम तरंगनी, नीला चांद और लोग भूल गए हैं, इन तीनों रचनाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, यहां पर अंधायुग को नहीं मिला है, तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, रेखा चित्र है, ये संस्मरण है, रिपोर्टार्ज है या फिर आत्मकथा है? तो यहाँ पर बच्चन कृत क्या भूलू क्या याद करूँ, ये आत्मकथा है। क्या है ये? एक आत्मकथा है बच्चन साहब की, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्ति किस कवि की है, केशवदास की है, रैदास की है, कुम्मन दास की है या फिर रसखान की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, यहाँ पंक्ति के कवि रैदास जी है। याद रखिएगा यहाँ पंक्ति दोस्तों पॉपुलर पंक्ति है, आपने कहीं ना कहीं इस पंक्ति के बारे में सुना ही होगा, और यहाँ पंक्ति किस कवि की है, तो यहाँ पंक्ति रैदास की है, याद रखिएगा। सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति कौन सी, यहाँ पर आलोचनात्मक कृति के बारे में बताना है डॉक्टर नामवर सिंह की, वाद विवाद संवाद, छायावाद का पतन, आत्मनिपद या फिर नई कविता के प्रतिमा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति वाद विवाद संवाद है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है मानव मूल्य और साहित्य के लेखक कौन है, जगदीश गुप्त है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, धर्मवीर भारती है या फिर मलयज है? तो यहाँ पर मानव मूल्य और साहित्य के लेखक धर्मवीर भारती है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है श्यामा स्वप्न किसकी रचना है, गोपाल राम गहरमी की है, शिव पूजन सहाय की है, जयशंकर प्रसाद की या फिर जगमोहन सिंह की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा श्याम स्वप्न जगमोहन सिंह की रचना है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, दोस्तों आप सभी को पता होगा, आपने कहीं ना कहीं यह प्रश्न पढ़ा होगा आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई या फिर पुष्पदंत? तो यहाँ पर आदिकाल का प्रथम कवि चंद्रबरदाई, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है चर्यापद के रचिता, यहाँ पर चर्यापद के रचिता बताना है कौन है, सरप्पा है, गोपीचंद नाथ है, लुईपा है या फिर स्वयंभू देव है? तो यहाँ पर चर्यापद के जो रचिता है वो सरहप्पा है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सभी के सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यदि आपको इनको पढ़ना है तो फिर मैं बता देता हूँ ऐप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है
इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की, यहाँ पर कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर बांगरू? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी की, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम का लेखक कौन है, यहाँ पर आपको आखिरी कलाम के लेखक बताना है कौन है, नूर मोहम्मद है, शेख नबी है, कासिम शाह है या फिर जायसी है? तो यहाँ पर आखिरी कलाम के लेखक जायसी, याद रखिएगा जायसी आखिरी कलाम के लेखक है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न ही और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राहुल वेल के रचिता, यहाँ पर राहुल वेल के रचिता कौन है, लल्लू लाल है, रोड़ा है, स्वंभू है या फिर राम सिंह? तो यहाँ पर राहुल वेल के जो रचिता है वो रोड़ा है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरिहु राजनीति पढ़ी आए किसकी उक्ति है या फिर यहाँ किसकी पंक्ति है, कुंभनदास की है, तुलसीदास की है, नंददास की है या फिर सूरदास की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है हरिहु राजनीति पढ़ी आए, ये सूरदास की उक्ति है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, परमाल रासो के रचिता है, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है परमाल रासो के रचिता कौन है, मुल्ला दाऊद है, चंद्र बरदाई है, नरपति नाला है या फिर जगनीक है? तो यहाँ पर जगनीक परमाल रासो के रचिता है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, संतन सो कहा सिकरी सो काम, यहाँ किसकी उक्ति या फिर यहाँ किसकी पंक्ति है, नंददास की है, सूरदास की है, कुंभनदास की या फिर तुलसीदास की है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है यहाँ उक्ति कुंभनदास की, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रजा हितेशी पत्र के संपादक का नाम है, यहाँ पर आपको बताना है प्रजा हितेशी पत्र के संपादक का क्या नाम है, राजा लक्ष्मण सिंह है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, प्रताप नारायण मिश्र है या फिर बाल कृष्ण भट्ट है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रजा हितेशी पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचिता, यहाँ पर बरवे नायिका भेद के रचिता आपको बताना है कौन है, रसलीन है, रहीम है, बिहारी है या फिर सुरती मिश्र है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा रहीम, रहीम बरवे नायिका भेद के रचिता है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है जो संचारी भावों की संख्या 33 है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है, यहाँ पर आपको विखंडनवाद के प्रवर्तक बताना है कौन है, मैथ्यू है, इलियट है, डेरिडा है या फिर कामू है? तो यहाँ पर डेरिडा, डेरिडा विखंडनवाद के प्रवर्तक है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध के रचिता है, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको मुक्ति बोध के रचिता बताना है कौन है, मुक्ति बोध है, धूमिल है, यशपाल है या फिर जैनेन्द्र है? तो यहाँ पर मुक्ति बोध के रचिता जैनेन्द्र कुमार है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कांठ का सपना जो कि एक कहानी है, इसके लेखक कौन है, मुक्ति बोध है, भुवनेश्वर है, अस्के है या फिर इलाचंद जोशी है? तो यहाँ पर कांठ का सपना जो कि एक कहानी है, इसके लेखक मुक्ति बोध है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है कौन से लेखक इनमें से प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, देव, पद्माकर, सेनापति या फिर द्विजदेव? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेनापति, सेनापति प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन कौन सा है, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या फिर अतीत के चलचित्र? तो यहाँ पर पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का जो रेखाचित्र संकलन है वो मेरा परिवार है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय जो कि एक निबंध है, ये किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है, कुबेरनाथ राय का है, निर्मल वर्मा का है या फिर धर्मवीर भारती का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय जो कि एक निबंध है ये धर्मवीर भारती का है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन है? चिंतामणि घोष, महात्मा गांधी, भारत सरकार या फिर प्रेमचंद? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक महात्मा गांधी ही यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शबद की रचना किसने की है या फिर शबद के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है, दादू दयाल है, कबीरदास जी है, दरिया साहब है या फिर रैदास जी है? तो यहाँ पर शबद के रचनाकार कबीरदास जी, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्षण बोले कण मुस्काए किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टार्ज है या फिर यात्रा वृत्त है? तो यहाँ पर क्षण बोले कण मुस्काए ये एक रिपोर्टार्ज है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे की है, हरिकृष्ण प्रेमी की है, मार्कंडे की है या फिर मोहन राकेश की है? तो यहाँ पर अंडे के छिलके ये मोहन राकेश की रचना है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किसने कहा? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किसके द्वारा कहा गया? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, राहुल साकृत्यान के द्वारा, मिश्र बंधु के द्वारा या फिर राजकुमार वर्मा के द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राहुल साकृत्यान। आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल राहुल साकृत्यान ने कहा, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैथिली का बोली क्षेत्र कौन सा है? मुंगेर है, चंपारण है, लखनऊ है या फिर गोरखपुर है? तो यहाँ पर लखनऊ, मैथिली का जो बोली क्षेत्र है वो लखनऊ है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पत्थर और परछाई के एकांकीकार है, यहाँ पर जो पत्थर और परछाई है ये एक एकांकीकार है, इसके रचनाकार कौन है? इसके बारे में आपको बताना है, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, मार्कंडे हैं, मोहन राकेश है या फिर अस्क है? तो यहाँ पर पत्थर और परछाई के एकांकीकार मार्कंडे है, यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचिता, यहाँ पर आपको ललित ललाम के रचिता बताना है कौन है, बिहारी है, पद्माकर है, चिंतामणि है या फिर मतीराम है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मतीराम, मतीराम ललित ललाम के रचिता है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, घनानंद किस धारा के कवि है? रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? नरेश मेहता को, दिनकर को, महादेवी वर्मा को या फिर प्रसाद को? तो यहाँ पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था, किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की है, अरुण कमल की है, लीलाधर जगुड़ी की है या फिर मंगलेश डबराल की है? तो यहाँ पर मुझे चांद चाहिए, यहाँ रचना सुरेंद्र वर्मा की है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पर हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक के बारे में आपको बताना है कौन है, चंद्रबरदाई है, नरपति नाला है, सरहप्पा है या फिर विद्यापति है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा से हुआ है, खरोष्टी से हुआ है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हुआ है या फिर ब्राह्मी से हुआ है? तो यहाँ पर नागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैंने 50 प्रश्न दिए हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पर 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जल्दी ही दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।